विगत दिनों खंडवा के शासकीय चिकित्सक के पद से रिटायर हुए डॉक्टर सुंदरलाल गुप्ता, जो सीता परमार्थिक ट्रस्ट के माध्यम से गरीब बच्चों को शिक्षण कार्य हेतु स्कॉलरशिप और अन्य सामाजिक कार्यों में मदद करते हैं, साथ ही नाम मात्र के शुल्क पर स्वास्थ्य सेवाओं से पूरे खंडवा शहर को लाभान्वित भी कर रहे हैं। जिन्हें विगत दिनों एक जाति विशेष वर्ग के लोगों द्वारा उनकी सेवा भावना के दुर्भावनावश उनके चिकित्सालय में पहुंचकर मारपीट व अभद्रता की गई, जो उनके डॉक्टरी पेशे एवं दशहरा समाज के लिए असंवैधानिक है, जिसकी दशहरा नागर समाज घोर निंदा करता है। सामाजिक एकता, समरसता व सामाजिक सेवा में तन मन धन से सहयोग करने वाले डॉक्टर सुंदरलाल गुप्ता के हमलावरों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, साथ ही डॉक्टर गुप्ता को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई जाति विशेष वर्ग का व्यक्ति ऐसी सेवा भावी व्यक्तियों की सेवाओं में अवरोधक न बन सके। इन्हीं बातों को लेकर दशहरा नागर समाज जिला खरगोन के समस्त समाज बंधुओं द्वारा गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर खरगोन को एक ज्ञापन सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। लेकर एक ज्ञापन, खंडवा शहर के प्रतिष्ठित और दशहरा नागर समाज के, हमारे समाज के बहुत दानवीर और समाज सेवी डॉक्टर एसएल गुप्ता जी, जिनका पूरा जीवन खंडवा में समाज सेवा में और एक डॉक्टरी पेशे में गया है, उनके ऊपर षड्यंत्र पूर्वक आरोप लगा के और उनके साथ जो मारपीट की गई है वो घोर निंदनीय है। इस घटना के पीछे ऐसा लगता है कि कोई षड्यंत्र भी हो सकता है कि इतने वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर साहब, जिनका पूरा जीवन एक साफ सुथरा जीवन है और समाज सेवा में बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उनको कहीं बदनाम करने की साजिश तो नहीं है। आज दशहरा नगर समाज ने पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक मंडल में इस घटना के विरोध में, जो डॉक्टर साहब के साथ मारपीट की गई उसके विरोध में हर गांव में, हर शहर में ज्ञापन देकर सरकार से ये मांग की है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो। और इस षड्यंत्र में जो आरोपी है वो तो ठीक है, इसके पीछे भी और किन लोगों की साजिश है, क्योंकि ये घटना मात्र एक घटना नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि इतने वरिष्ठ डॉक्टर, जिनके वहाँ पर बहुत लोग मानते हैं, और उनको बदनाम करने का जो ये प्रयास किया गया है, तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो लोग भी दोषी हो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। इस मांग को लेके पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह पर डॉक्टर साहब के साथ न्याय हो, ऐसी मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। क्या नाम लिखते हैं? हुकुमचंद गुप्ता, दशहरा नगर समाज। खंडवा में हमारे दशहरा समाज के 80 वर्षीय डॉक्टर एसएल गुप्ता, जो कि हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है और बहुत ही सेवा भावी व्यक्ति है, उनके ऊपर कल असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया, जबकि वो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं, पर कल कुछ असामाजिक तत्व उन पर आए और हमला किया। अब इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इसीलिए ज्ञापन देने आए हैं ताकि उनके लिए न्याय हो सके, क्योंकि वो सिर्फ सेवा कर रहे हैं, वो उनकी उम्र के देखते हुए भी कि उन पर इतना हमला करना कोई उचित नहीं था, और बहुत दिल से सेवा करते हैं वो, हम सब उन्हें बहुत वर्षों से जानते हैं और पूरे समाज में वो बहुत ही मान सम्मान रखते हैं, बहुत प्रतिष्ठा रखते हैं, और ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर हमला करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं था ये, और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, कृपया इसके जड़ तक जाए और पता लगाए कि किन असामाजिक तत्वों ने ये काम किया है। खंडवा के माननीय एसएल गुप्ता जी डॉक्टर साहब के साथ जो घटना घटी है वो बहुत बड़ी दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई है, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, यही हमारी पूरे समाज की, जिला परिषद की मांग है। दशहरा नागर समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस कारणवश दिया गया है? हमारे दशहरा समाज के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर एसएल गुप्ता जी, जो खंडवा में सेवा भाव के साथ में चिकित्सीय सेवाएं दे रहे हैं, शासकीय सेवा से विरक्त होकर वो नॉमिनल शुल्क पर पूरे खंडवा शहर को सेवाएं दे रहे हैं,
उस पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जाति विशेष के लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार कर उन पर जो अटैक किया गया है, जानलेवा हमला किया गया है, उसके विरोध में हम पूरा प्रदेश स्तरीय समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है ताकि वो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को हमारे आवेदन पर विचार कर जो मुजरिम है उन पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर हमारे डॉक्टर साहब को प्रोटेक्शन देने का कष्ट करे, इसका निवेदन किया हमने। क्या नाम लिखते हैं? संजय गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।